What's up? So भाई ये जानी का नया गाना है, गाने का नाम है कभी नहीं। बहुत सारे लोग क्या भाई मेरे को हर जगह इसी गाने पे ही टैग कर रहे हैं लोग कि भाई ये गाना आया तुम्हें सुनना चाहिए, तुम्हें डेफिनेटली मजा आएगा। मुझे कुछ नहीं पता इस गाने की वाइब क्या है। जानी के मैं शायद ये पहला गाना अपने चैनल के ऊपर कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उनके बहुत सारे गाने ऑलरेडी सुन रखे हैं और मुझे बहुत अच्छे आर्टिस्ट लगते हैं वो, है ना। सो बाकी सारी बात है बाद में, लेट्स सी कभी नहीं में क्या है। तो बड़े हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। Oh yes, so 3, 2, 1, here we go. क्या ये एस्थेटिक से बढ़िया सर? अभी देखो अभी अंग्रेजी में गा रहे हैं, ठीक है। ये वाला स्टाइल आई रिमेम्बर, जहां तक मुझे याद है कि ये स्किलेक्स ने निकाला था, स्किलेक्स के टाइम पे आना शुरू हुआ था, जहां पे थोड़े से मॉड्यूलेटेड वोकल्स इन चिपमंक वॉइस में, है ना, गाने की स्टार्टिंग में डालते थे, है ना। सो वही वाली वाइब आ रही मेरे को थोड़ी थोड़ी। स्क्रिलेक्स वाइब नहीं बोली, प्लीज कंफ्यूज ना करना चीजों को, है ना। दो अलग बातें मैंने बोली है, बट या एस्थेटिक्स ऑफ द वीडियो बहुत ही प्यारे जा रहे होंगे। तो अब अपना अपना सा लगता है, तो चलते बसते का रास्ता है, तो जो टूटने का खौफ आता है, तो वो मकान है जो थोड़ा खस्ता है, मैं नाम लूं तेरा तो ये दिल बा। यही होता है जो लोग ज्यादा अपने बयान, जो जब कोई शायर, इंट्रोवर्ट शायर अपनी अपनी बातों को सामने रखता है तो वैसे ही रखता है। चार लाइनों में इतने सारे इमोशन, चार इमोशंस बयान कर दिए मेरे हिसाब से। तू अपना अपना सा लगता है, तू अपना अपना सा लगता है, तू चलती बस्ती, चलती नहीं, आई थिंक जलती। देखें जरा इसके लिरिक्स इन्होंने दिए हैं क्या कहीं, आई विल जस्ट मेक श्योर। तू उस जलती बस्ती का रास्ता है, तो ये ऑटोमेटिक लेता है यूट्यूब, तो गलत लाइनें भी ले ले। चलती मुझे जलती सुनाई दिया था, अपना अपना सा लगता है, जलती बस्ती का रास्ता है, तो जो टूटने का खौफ आता है, तो वो मकान है जो थोड़ा खस्ता, समझ रहे हो, वो मकान जो तुम्हारा है, जो बहुत पुराना सा हो गया है, जिसका तुम्हें डर लगता है कि ये कहीं टूट ना जाए, क्योंकि तुम्हारे पास उस मकान के अलावा कोई सहारा नहीं है। अगर वो चला गया तो सब, समझ रहे हैं कि उस इंसान को उस मकान से का कंपेयर करा है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास खाली वो खस्ता मकान ही है जिसके टूटने का डर है, और मेरे पास खाली एक तुम ही हो, है ना, जिसके पास मैं जाऊंगा और तेरा मेरे छूटने का डर है, है ना, लेकिन तू अब जलती बस्ती का रास्ता है। समझ, कितने सारे इमोशंस इस लाइन में बोल दिए गए, बाप रे। नाम लूं तेरा तो ये दिल बाग बाग है, क्या तुझे मांगनी इबादतों में जाग जाग के, मैं निकल गया साहिलों पर। एक काम करता हूँ ब्रो, मैं ये सबटाइटल्स को बंद करता हूँ, पता नहीं क्या उल्टे सीधे बोल रहा, कानों के थ्रू सुनते हैं, आँख के थ्रू नहीं। क्या तुझे मांगनी इबादतों में जाग जाग के, मैं निकल गया साहिलों पर पाक रात में, मैं तो जी रहा हूँ जिंदगी ख्वाब मान के, तुम तो ख्वाब हो गए, मेरे खत का जवाब हो गए, उसी बाग में खड़े हैं फूल तोड़ने को, जानम तुम तो काटो में गुलाब हो गए, मेरे खत का जवाब हो गए, ठीक है। मैं तो पहले यही लाइन ही सुन रहा हूँ, रुको रुको रुको, यहाँ फिर तो जाते हैं यार, इमोशन बन रहे हैं। मैं निकल गया साहिलों पर पाक राग में, एक तो ये लाइन मुझे इतनी बढ़िया लग रही है, मैं निकल गया साहिलों में उन पाक राग पे रात पे, ठीक है, एक प्यारा सा इमोशन है ना, कन्वे सीन क्रिएट करा है बेसिकली। मैं तो जी रहा हूँ जिंदगी ख्वाब मान के, तुम तो ख्वाब हो गए, समझ रहे हो तुम्हारी क्या वैल्यू है बाकी सबके बीच में, है ना, और तुम तो ये होगा, अब तो ख्वाब भी हो गए। बहुत सारे इमोशन भाई, वो बोल रहा हूँ भाई, हर लाइन में एक नया इमोशन कन्वे हो रहा है यहाँ पे। जो समझ में नहीं आई हो तुम, आज तक तुम जॉन की किताब हो गए। उफ, इतनी स्पेशल हो तुम मेरे लिए, जॉन इलिया की वो किताब जो समझ नहीं आई मुझे, है ना, तुम है तो बहुत स्पेशल, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहे हो तुम। हो तुम आज तक तुम जॉन की किताब हो गए, पहले थोड़े से थे याद में तुम मेरी, अब बेहिसाब हो गए, हम मानने को राजी हैं वो तेरी शर्त है, बेसाख्ता खड़े हैं तेरे दर पे, सोचा लूट लूं अफवाहें फिर एक बार, सुना है खाली हाथ नहीं जाते किसी घर पे, अब मन करीब अजनबी। क्या, एक सेकंड, एक सांस लेते हैं, सांस लेके प्यारी से लाइन को महसूस करके सुनते, रुको जरा। ताकता खड़े हैं तेरे दर पे,
सोचा लूट लूं अफवाहें फिर एक बार, सुना है खाली हाथ नहीं जाते किसी घर पे। बाप रे, सुना सोचा लूट लूं अफवाहें फिर एक बार, सुना है खाली हाथ नहीं जाते किसी के घर पे। मैं तुम्हारे घर अपनी वफाई लेके आ रहा हूँ, यही एक चीज है जो मैं तुमको दे सकता हूँ, है ना, जो मैंने लूट के रखी है अपने पास। बाप रे बाप, भाई देखो ये खाली वाइब वाला सॉन्ग है, ठीक है, जो वाइब तुम्हारी बन रही है उसको बना दो। शायरी ओपन इंटरप्रिटेशन वाली शायरी है, यहाँ पे लिखी गई है, जिसको जो महसूस हो रहा है वो महसूस करे और गाने को सुकून में इंजॉय करे, वो वाली चीज भाई। लेकिन लाइन बहुत प्यारी हिट करी है, लूट लूं अफवाहें फिर एक बार, सुना है खाली हाथ नहीं जाते किसी घर पे। अब मन करीब अजनबी, अब हम नजरें ना मिलाए कभी, अब दिल को खाए कमी, तूने राज लाया मुझे कभी नहीं। इतनी सब बातें करने के बाद, इतनी सब बातें, बहुत सारे इमोशन होते हैं ना यार, है ना, जब आदमी को रियलाइज होती है बहुत सारी चीजें, ठीक है, वो सारी बातें जब वो बहुत सालों से टूटने के बाद, जब वो रिश्ता टूटने के बाद, जब वो बोलता रही और फिर जब वो बोलता है तो सब निकलता है, ठीक है। ये लाइन सुनना, अब दिल को खाए कमी, तूने राज लाया मुझे, ठीक है, बस एक यही कमी है ना मेरे दिल में, कि तू मुझे रास नहीं आता, तू मुझे रास नहीं आता, तू मुझे वैसा पसंद नहीं आता, तू मुझे परफेक्ट महसूस नहीं होता। ओ मैन, क्या लाइन लिखी है, मतलब ये अपने दिल से बंदा बोल रहा है कि भाई तुम तो छोड़ो, जैसे बाकी गानों में हमको ये होता है ना कि तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम मुझे अब पसंद नहीं करते, यहाँ पे ये है कि भाई ये सारी चीजें देखने के बाद, तुम्हारे सारे रूप देखने के बाद, अब दिल की ये कमी कि तुम रास ना आए मुझे। ओ मैन, कभी रे कभी रे, तुम मेरे टाइप थे ही नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, बहुत प्यारा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, वो न आया जो लाख बुरा है, शायद उलझन में ही गिरा है, सारे फूल जड़ गए हैं खिसा से, चल पड़े फिर हिजर की हवाएं। हिजर का मतलब सेपरेशन होता है ना, मतलब अलग होना होता है ना शायद, से चल पड़े फिर हिजर की हवाएं, आंखें थक जाती हैं तस्वीर कहने लग जाती हैं, क्या लिखूं हुस्न पर अब तेरे जुल्फे मोहल्ला में गाती हैं। क्या प्यारी लाइन है, क्या प्यारी लाइन है, क्या लिखूं तेरे हुस्न के ऊपर, है ना, तेरी जुल्फे मोहल्ला में गाती हैं, ठीक है, लाइक अब और क्या तारीफ करूं मेरे पास कहने के लिए, मैं इस चीज को कि तेरी जुल्फे मेरा मोहल्ला महकाती हैं, मैं इसको कैसे बयान कर पाऊं। ओह माय गॉड, अब तेरे जुल्फे मोहल्ला महकाती हैं, किताबों का प्यार ढूंढता हूँ, बेशुमार झूमता हूँ, कभी ले खबर मैं जिंदगी से बेजार घूमता हूँ, अब मन करीब अजनबी से, अब हम नजरें ना मिलाए कभी, अब दिल को खाए कमी, तूने राज लाया मुझे कभी नहीं। ओह माय गॉड यार, मजा आ रहा है भाई, पता है बाकी सारी चीजें एक तरफ, बाकी सारी लाइनें गाने की एक तरफ, लेकिन ये वाली जो लाइन है ना कि तू ना रास आया मुझे कभी नहीं, ये सेल्फ रियलाइजेशन वाली जो एक लाइन डाल दी है भाई, है ना। ओ भाई, इस लाइन ने इस पूरे गाने का थीम वो कर दिया, लाइक निचोड़ के दे दिया कि भाई पूरे गाने में जो भी बात हो रही है वो अंत में यहीं पे आ रही है कि तू ना रास आया मुझे कभी नहीं, चाहे मैं जितना प्यार बोल दूं, तुझे टूटने तेरे टूटने सब का डर भी है सब बोल दूं, लेकिन अंत में ये कि तू ना रास आया मुझे कभी नहीं, हम दोनों एक टाइप थे ही नहीं कभी, कभी नहीं होता है ना, किताबों का प्यार ढूंढता हूँ, है ना, तो वो जो वो वाला जो मुझे प्यार चाहिए वो तू नहीं है वैसा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बहुत प्यारा प्रोडक्शन है, मुझे बहुत अच्छा वो हिप पॉप गाने आते थे ना 2000 में, उसकी याद दिला रहा है प्रोडक्शन मुझे।
इनके गाने तो इनके वीडियो तो अलग ही दिखने हैं ना, बहुत सारी चीजें नहीं हुई, खाली एस्थेटिक एस्थेटिक एक एक ही लोकेशन पे। अभी मेरे हेडफोन को क्या हो रहा है, कुछ तो तारवा ढीला हो रहा है इसका। एक ही लोकेशन पे पूरा वीडियो शूट करा गया है, लेकिन ना खूबसूरत निकल के आया वीडियो के, मजा आ गया। एंड मुझे एक बात नहीं देखे इसको प्रोड्यूस किसने करा है भाई, लिरिक्स म्यूजिक प्रोड्यूसर सुपर डुपर सुल्तान, क्या बात है भाई, है ना। इनकी बीट्स तो मतलब हमेशा जिस गाने में जितना चाहिए होता है उतना देते हैं, और थोड़ा मॉडर्न प्रोडक्शन मुझे लगता है सुपर डुपर सुल्तान के प्रोडक्शन स्टाइल में। एंड बट जानिए बहुत प्यारा लिखा गाना। एंड आजकल पता नहीं कुछ मैंने सीन में एक चीज नोटिस करी कि खूबसूरत गाने बड़े सारे आने लगे, क्या इसका कोई कारण है? मेरे को कारण पता है, मेरे मन में एक चीज चमकती है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट्स में गैस करो, लेकिन मैं बहुत ही लकी फील हो रहा हूँ कि हमें इतने खूबसूरत गाने अपने सामने अंडरग्राउंड सीन से आते हुए दिख रहे हैं। हमने जनरली अंडरग्राउंड को हमेशा मारा काटी करते देखा है, लेकिन जब अंडरग्राउंड शायर अपने मोहब्बत को बयान करते हैं तो उसकी खूबसूरती, उसका उसके लहजा, उसका स्वाद है ना, उसका जायका है, क्या उर्दू है मेरी, है ना, उसका जायका अलग ही आता है। और वही वाली चीज़ आ रही है कि जब हमारे अर्बन पोएट, स्ट्रीट पोएट शायरी लिखते हैं ना प्यार के ऊपर, तो उसमें प्यार का अलग ही पहलू निकल के आता है। और मेरे को वही वाली चीज़ इस गाने में महसूस हुई है ना, कि वो गाने में जो एक दर्द था, वो लाइन में जो एक दर्द था ना, जो इमोशनल पेन था वो वाला, कि तू ना रास आया मुझे कभी नहीं, वो रियलाइजेशन अलग होती है। लाइक इतना कुछ मैंने माना, इतना कुछ हमारे बीच में हुआ, लेकिन अंत में मेरा कंक्लूजन यही निकलता है कि तू ना रास आया मुझे कभी नहीं। मुझे बहुत प्यारी ये लाइन लगी। एंड वो वाली लाइन बफाव वाली की सुनाई की थी, घर खाली हाथ नहीं जाते, जो वाली लाइन थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ओवरऑल गाना बहुत प्यारा था, बहुत ठहराव था गाने में, कोई लाइक जो एक थीम पकड़ी थी, जो एक वाइब पकड़ी थी, जो एक क्या बोलते हैं, बिना आर आर करे अपने दुख को सामने रखना, यार क्या बताओ भाई, अर्बन पोएट है तो हम भी अर्बन ही आदमी है, जो भी बहरो हमारी वही भाषा है। बिना दुखड़ा रोए अपने दुख को जो रखा गया है ना, बिना आवाज के जो रोया गया है इस गाने में, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। बहुत प्यारा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत इमोशनल लाइन्स थे कुछ। एंड यस, वो दुख मुझे फील हुआ है ना, वो पेन मुझे फील हुआ है। बाकी आप लोग बताइए। एंड थैंक यू जो लोग भी कह रहे थे कि इस गाने को कवर करो, क्योंकि बहुत प्यारा गाना लगा मुझे। एंड एक प्लेलिस्ट में जाने लायक है, मेरी प्लेलिस्ट है, अगर आप लोग नहीं जानते तो प्लेलिस्ट को मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, प्लेलिस्ट चेकआउट करना, तुम्हें डेफिनेटली मजा आएगा। और ये गाना कैसा लगा स्पेशली मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए नहीं बोलूंगा, वो तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, चलो बाय, पीस।